नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कक्षा में मैं आपको दो क्रियाएं सिखाऊंगा, ठीक है? दो क्रियाएं, ये दो क्रियाएं बहुत जरूरी है, ठीक है? स्पेनिश सीखने से पहले, मतलब कि शुरुआती दिनों में ये सीख ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? दो क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। लेकिन बताने से पहले मैं एक अपनी ही गलती एक सुधारना चाहूंगा। जब मैंने आपको बताया था कि स्पेनिश में कैसे बोलते मैं हूं, आप हो, तुम हो, तो उसमें एक ग्रुप को बताना मैं आपको भूल गया था। तो मैं पहले उसको अपनी गलती सुधारूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि ये मैं लिखता रहता हूँ, दिन 13 दिनार तो ये लिख दिया, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे लिखते हैं मैं हूं, यो सोय, ऐसे लिखते हैं यो सोय, ठीक है? अगर आपको पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पुरानी कक्षा देखने की जरूरत है, आप शुरू से देखिए, ठीक है? यो सोय मतलब मैं हूं, ठीक है? मैं हूं। तो स्पेनिश में मैंने आपको एक उस्तेदेस का बताया था, ठीक है? उस्तेदेस कैसे? उस्तेदेस, ठीक है? उस्तेदेस सोन, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? उस्तेदेस सोन मतलब आप सब है, सिर्फ आप सब है, लंबे छोटे बड़े नहीं, आप सब है, ठीक है? तो उसी में एक और हिस्सा था जो मैं उस वक्त बताना भूल गया था कि स्पेनिश में, स्पेन में एक दूसरी तरह का शब्द भी वो इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। कहने का मतलब है ये उस्तेदेस जो है ये होता है आप सब, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा औपचारिक शब्द है, ठीक है? औपचारिक मतलब ये शब्द यूज होते हैं कि अनजान लोगों के साथ, या फिर जैसे कोई सरकारी में, किसी सरकारी विभाग में आपने कोई चिट्ठी भेजी हो, या जिन आदमियों को आप जानते नहीं हो, या कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है ना, बहुत जिससे सम्मान से बात करते हैं कि जैसे दादाजी हो गए, दादाजी माफ कीजिए, दादाजी नहीं, कोई ऐसे इंसान जिनसे आप बहुत ही ज्यादा कम बात करते हैं, बहुत ही औपचारिक तरीके से बात करते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है, ठीक है? ये तो स्पेन में दूसरा एक शब्द है इसी के जगह बिल्कुल यही अर्थ का, जो लेकिन वो तब यूज होता है जब जैसे अपने को जान पहचान का आदमी है, ठीक है? बहुत ही कैजुअल तरीके से हम बात करते हैं प्यार से, होते हैं कि जैसे कोई ताऊ जी हो गए, आपके चाचा जी हो गए, मामा जी, कोई भी हो गया, ठीक है? वो शब्द है वोसत्रोस, ठीक है? ओवे ओ एस ए ओ ते एरे ओ एस, ठीक है? वोसत्रोस, क्या हुआ? वोसत्रोस, ठीक है? वोसत्रोस, ये हो गया आप सब, ये भी आप सब है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वो होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है वहां पे स्पेन में, मतलब यूज है, इसका मतलब है आप लोग, लेकिन जैसे कि होते ना कि जिन जानकार होते हैं या किसी आप रात चलते बात कर रहे हो, इतना ज्यादा औपचारिक में नहीं, माफ कीजिए, औपचारिक नहीं, ये औपचारिक में होता है काम, जैसे आप चिट्ठी भेज रहे हो, जैसे कि मैंने बताया चिट्ठी भेज रहे हो, या कोई बिजली विभाग में कोई खाता खुलवा रहे हो, बैंक में खाता खुलवा रहे हो, बैंक वालों से बात कर रहे हो, तब ऐसा बहुत औपचारिक होता है, ये औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक में आता है, ठीक है? तो वोसत्रोस के साथ लगता है सोइस, एस ए ओ ई एस ए, ठीक है? जैसे उस्तेदेस सोन पूरा शब्द पूरी लाइन हो गई, वैसे वोसत्रोस सोइस ये पूरी लाइन हो गई, ठीक है? पूरी लाइन, इसका मतलब है आप लोग, लेकिन ये जो बहुत प्यार वाला शब्द है, ठीक है? स्पेन में बहुत शब्द होता है, आपको ये शब्द बहुत कम सुनने को मिलेगा उस्तेद वाली फॉर्म, लेकिन ये तरीका आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है? ये वही तरीका है, वो है तो अभी महिलाओं के लिए, माफ कीजिए, पुरुषों के लिए, कि अगर बहुत सारे आदमी हो कि आप सब, सिर्फ आदमी है तो वोसत्रोस रहेगा, और अगर सिर्फ महिलाएं हैं तो उसमें लगेगा वोसत्रास, ओके, अलग जाएगा, ओके जगह अलग जाएगा, ठीक है? ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है? नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है? वोसत्रास सोइस, ठीक है? वोसत्रास सोइस, आप सब, ठीक है? आप सब, स्पेन में सबसे ज्यादा यही चलता है, ठीक है? उस्तेदेस बहुत कम चलता है, मिलेगा चलता है वो भी, लेकिन ज्यादा ये चलता है, ठीक है? तो ये मैं आपको उस वक्त क्या, मैं वीडियो बनाने माफ कीजिए, उस वक्त लिखते लिखते कुछ गलती से रह गया था, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? वोसत्रोस सोइस, ठीक है? ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है? अब शुरू करते हैं हम क्रिया, ठीक है? क्रिया, तो पहली क्रिया है, मैं स्टार्टिंग शुरू की दो क्रिया है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा क्रियाएं कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है? हर जगह नहीं, कोई कोई चीजें जहां पर कोई संज्ञा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जिस भी शब्द के आगे आ एर रे या ए एर रे लगा हुआ दिख जाए, या फिर ई एर रे लगा हुआ दिख जाए, समझ जाना वो क्रिया है। हर जगह नहीं है, लेकिन ये क्रिया पहचानने का तरीका है, ठीक है? जो भी क्रिया चालू होती है, जैसे उनके अंत में ये दो होंगे ही होंगे, क्रिया में ये हो गए होगा, ठीक है? क्रिया को होता है ना, शुरू की क्रिया होती है, जैसे खाना पीना, सब में नाना आ रहा है, खाना पीना, नहाना, नाचना, देखना, सुनना, सब पे ना पे खत्म हो रहा है, उसी तरीके से स्पेनिश में आ एर रे, ए एर रे, ई एर रे पे खत्म होता है, ठीक है? मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, जैसे एक है आबलार, ठीक है? आबलार, ठीक है? आबलार होता है बोलना, ठीक है? आर पे खत्म हो गया पूरा, तो ये क्रिया है वहां पर, ये है से ओ एम ए, ये हो गया कोमेर,
ये होता है खाना, ठीक है खाना, और ये हो गया उवे ई उवे, ठीक है, ये हो गया विविर, ये होता है रहना, बोलना खाना रहना, ठीक है। तो ये चीज देखिए सिर्फ आप कि अंत में कौन से आ रहे हैं, दो ई आर आ रहा है, ए आर आ रहा है और आ आर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रिया पहचाने का तरीका है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ एक तरीका का मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा था कि क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्रिया है वो है दो, पहली है सेर एस ए आर एर ए, दूसरी है एस्तार, ठीक है एस्तार, माफ कीजिए मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, एस ए एस एर ए एस ए टे आ एर ए, ठीक है। देखिए इसमें भी देखिए दोनों उदाहरण में ये ए आर पे खत्म हो रहा है, ये भी ये आ एर ए पे खत्म हो रहा है, तो दोनों की क्रिया है, ठीक है। सेर और एस्तार, इनका जो मतलब होता है वो होना, होना मतलब मैं हूं, ठीक है मैं हूं, वो वाले उस वाले अर्थ में, ठीक है मैं हूं। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि ये लगते कैसे है, ठीक है ये बनती कैसे है, इन दोनों में अंतर क्या है। ये भी होना है, सेर का मतलब भी होना होता है कि मैं हूं, एस्तार का मतलब भी होता है मैं हूं, दोनों में अंतर ये है कि ये हमेशा के लिए होता है और ये होता है कुछ समय के लिए, सिर्फ कोई समय के लिए होता है। अंतर कैसे पहचान सकते हैं, जैसे मैं इसको बोल दूं मैं लंबा हूं, दो वाक्य में बोलने जा रहा हूं, एक वाक्य है मैं लंबा हूं, तो ये हमेशा के लिए हो गया मैं लंबा हूं, क्योंकि मैं अपनी लंबाई के साथ काट छाट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए हो गया मैं लंबा हूं। और इसका जो उदाहरण रहेगा वो है कि मैं बीमार हूं, ठीक है, जैसे बीमार हूं तो बीमार कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं रहता, वो रहता कोई छोटे समय के लिए रहता है, कोई लंबे समय तक रहता है, लेकिन ये जो स्थिति है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, ठीक है। कि जैसे होता है मैं परेशान हूं, होता ना अपने समझ जाते परेशान हूं, मतलब कोई ना कोई बात ही इसलिए परेशान है, तो ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। जबकि मैं लंबा हूं हमेशा के लिए होती है, मेरा नाम लखन है हमेशा के लिए होता है, या फिर कहते हैं कि मेरे चार बच्चे हैं, ठीक है, नहीं माफ कीजिए दूसरी क्रिया है, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, ये हमारे हमेशा वाली क्रिया होती है। और एस्तार होता है, ये सिर्फ होती है ये सिर्फ कुछ समय के लिए, जो मैं थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मौसम अच्छा था, ठीक है, मौसम रोज बदलता है, हर दो तीन घंटे बदलता रहता है, तो मौसम के बारे में हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका उदाहरण दूं तो जैसे मेरा रंग काला है, ठीक है, मेरा रंग काला है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। या अगर मैं काला नहीं हूं, मैं बोल दूं कि कह सकते मेरी स्किन मेरी अभी त्वचा काली है, होती है धूप में अपन जाके आ जाते तो काली हो जाती है, थोड़ी देर के लिए काली हो जाती है, तो उसके लिए होती है। तो कहने का मतलब ये हमेशा के लिए होते, जहां भी ये चीज इसका इस्तेमाल होते हुए दिखे वो हमेशा, और जब तक ये इस्तेमाल होती हुई दिखे तो ये होती है कुछ समय के लिए, ठीक है कुछ समय के लिए। अब मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ फिर से, शेर वाला तो हमने देख लिया है, ठीक है, शेर वाला नहीं देखा तो आप पुरानी कक्षा देखे, मैं आपको एस्तार वाला दिखा रहा हूं आज, ठीक है। बस ये दो ये वर्ब है जिसमें हमने को सीखने की बहुत जरूरत थी, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ किस किस इसका मैं उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पुरानी कक्षा में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसका मैं बता रहा हूँ कि कैसे यो के साथ, तू के साथ, उस्तेद के साथ, नोसोत्रोस के साथ कैसे क्या लगता है, ठीक है। तो बता रहा हूँ, तो मैं अभी शेर को मिटा रहा हूँ, थोड़ा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ किस किस के साथ जोड़ने वाला हूँ, यो तू एल ए या उस्तेद, ठीक है, एल ए या उस्तेद, इधर लिखता हूँ जगह, एल ए या उस्तेद, ठीक है। फिर है नोसोत्रोस और नोसोत्रोस, हाँ मैं अपने लिखने का तरीका बता रहा हूं, मैं कभी कभी कुछ शब्द लिखने के बाद ये ऐसे ये जो डंडा होता है इसको बोलते हैं बारा, ऐसे डंडा लिखते हैं इसको बारा बोलते हैं, बारा बारा के बाद में कभी कभी आ लिखता हूं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये महिला, पहला जो शब्द था वो पुरुषों के लिए है और दूसरा शब्द वो महिलाओं के लिए, ठीक है, इससे क्या टाइम बच जाता है, ठीक है। नोसोत्रोस और उसके बाद आ, मतलब मैं नोसोत्रोस को भी बोल रहा हूँ और नोसोत्रास को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं, क्योंकि नोसोत्रोस नोसोत्रास बार बार लिखना बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझ जाना कि मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया वोसोत्रोस, वोसोत्रोस इसका भी मैंने देखो अलग आया, मतलब वोसोत्रोस और वोसोत्रास दोनों का है, ठीक है। यो तू एल एस्ते नोसोत्रोस उस्ते देश, माफ कीजिए एयोस एयोस एयास और उस्ते देश, ठीक है, उस्तेदस ये उस्तेद है ये उस्तेदस है उस्तेदस, ठीक है। उस्तेद होता है आप, एक आदमी, उस्तेदस होता है कितने भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इनके साथ एस तार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। यह सिर्फ जैसा कि मैंने बताया कि कुछ समय की स्थिति के लिए ही है, ठीक है, कुछ समय की स्थिति के लिए। शुरू करते हैं, यो के साथ लगता है हमेशा एस्तोय। सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं, मैं हूं, मैं परेशान हूं, मुझे भूख लगी, वैसा कुछ नहीं बता रहा, मैं हूं। ये भी मैं हूं था, शेर वाला मैं हूं था, लेकिन ये पर हमेशा के लिए था, ये कुछ समय के लिए था, ठीक है। इसके लिए एस्तोय, एस्तोय, ठीक है, एस्तोय। तू के लाख लगता है एस्तास, एस्तास, ठीक है। इन तीनों के साथ लगता है एक ही शब्द, वो है एस्ता, एस्ता, ठीक है, एस्ता। इनके साथ लगता है नोसोत्रोस के साथ लगता है एस्तामोस, एस्तामोस। कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वोसोत्रोस के साथ लगता है एस्ताइस, एस्ताइस, ठीक है, एस्ताइस। और इसके साथ लगता है एस्तान, ठीक है, एस्तान। दोबारा से करते हैं, यो एस्तोई, मैं हूं, ये सिर्फ छोटी छोटी अवधि के लिए है, ठीक है। तू भी होता है तू एस्तास, मतलब तुम हो। एल एया उस्तेद, एल एस्ता मतलब वह है, एया उस्तेद वह है, उस्तेद एस्ता आप है, नोसोत्रोस एस्तामोस आप सब है, नोसोत्रोस एस्तामोस माफ कीजिए, नोसोत्रोस एस्तामोस हम सब है, नोसोत्रोस एस्तामोस हम सब है, मतलब पुरुष और महिलाओं का अलग अलग, वोसोत्रोस एस्ताइस आप सब है। ये तुम सब के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तुम सब, आपको डिपेंड, ये तो आप पे निर्भर करता है कि सामने वाले से आपके ये रिश्ते कैसे हैं, ठीक है। वसुत्रस एस्ताइस तुम सब हो, वसुत्रस एस्ताइस तुम सब है, तुम सब हो या आप सब है। एयोस एयास उस्तेद, एयास से एयोस एस्तान है वो सब है, एयास एस्तान है वो सब है, महिलाओं के लिए, एयास महिलाओं के लिए, उस्तेदेस मतलब महिला पुरुष जो भी है, उस्तेदेस एस्तान आप सब है, ठीक है, आप सब है। तो यह सीखने की सख्त जरूरत है क्योंकि ये बहुत चीजें काम आने वाली, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये दो क्रियाएं बताने जा रहा था कि मैं हूं, कल से मैं आपको कुछ तरीके से और भी बात बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज सीख ली, इसको प्रैक्टिस करें पांच बार, ठीक है, कम से कम पांच बार करें ही करें, ठीक है, ये तो आप भूल जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि विज्ञान, अगर आप साइंस में, विज्ञान में अगर रुचि रखते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान के ज्यादा जो इतनी भी काबिलियत है, तो दो तीन चीजें ही काबिलियत ऐसी होती है जो वो हमेशा जिंदगी भर उसको याद रहती है, ठीक है। पहली है एक तो साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना एक बार इंसान ने अगर सीख लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, ये विज्ञान ने साबित, विज्ञान साबित कर चुकी है, ठीक है। साइकिल चलाना अगर आपने शुरू में आपने साइकिल चलाना सीखी तो जिंदगी में कभी भी आपको साइकिल मिल गई आप चला लेंगे आराम से, ठीक है। दूसरी एक और काबिलियत है, वो है तैरना, ठीक है, तैरते हैं जिनको तैरना आता है वो तैरना कभी नहीं भूलता, वो जिंदगी भर तैरना हमेशा याद रहता है, चाहे उसने कभी जिंदगी में एक बार सीखने के बाद दोबारा कभी उसका इस्तेमाल किया है ना किया हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलता। तैरना और साइकिल चलाना इंसान कभी नहीं भूलता, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभ्यास कीजिए, क्योंकि इंसान भूल सकता है, लिखना इंसान भूल सकता है, ठीक है। हमारे शरीर में रोज परिवर्तन होते हैं, ठीक है, रोज परिवर्तन होते हैं, हमको दिखते नहीं है लेकिन परिवर्तन रोज होता है, ठीक है। तो अभ्यास करने की सख्त जरूरत है। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप फोटो खींच के मुझे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, जो भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस क्लासेस, कक्षा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।